इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मिलाने वाले ऐसी शख्सियत से जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में केजीएमयू का नाम रोशन किया। जी हाँ, मुझे बताने में बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे साथ मौजूद है वह जानी मानी हस्ती डॉक्टर रोहित। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि आज के समाज में डॉक्टर और एक मरीज के बीच में जो रिलेशन है उस पर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सिया जी आपने। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपनी बीमारी को लेकर परेशान हो या कोई और भी कारण हो सकता है, उसको उस वक्त सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो एक सहारे की और थोड़े से प्यार की। अगर हम अपने मरीज के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से उसके साथ पेश आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि प्यार हर मस की दवा है। जी बिल्कुल सही बोले डॉक्टर साहब आपने। एक और प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में डॉक्टर बनने का इरादा कहाँ से आया? क्या इसके पीछे कोई रोल मॉडल था या फिर सिर्फ सफेद कोट देखा और खींचे चले गए? कोई ऐसा नहीं था कि कोई रोल मॉडल था या फिर सफेद कोट देखा और नीचे चले आए। दरअसल किसी भी काम को करने के लिए एक मजबूत इरादे के साथ साथ एक वजह का होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से गांव से। दूसरे बच्चों की तरह बचपन में मैं भी बहुत शरारती था। मुझे पढ़ाई के अलावा सब कुछ बहुत अच्छा लगता, लेकिन मम्मी पापा को ये बिल्कुल मंजूर न था। अरे नालायक, तुझे मैंने पढ़ने के लिए भेजा, तू पढ़ने क्यों नहीं गया? और ट्यूशन नहीं जाना क्या तुझे? हाँ, यहाँ खेल क्यों रहा है दिन भर? बस खेले। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो गिरे हुए मिले, हम लोग तुरंत उठा के लेकर आए। अब क्या करेंगे हम? कहाँ ले जाएंगे? अब ये लोग क्या करेंगे? ना तो कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, सब झोला छाप डॉक्टर हैं।
अगर यहाँ कोई केजीएमसी का पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर होता ना तो इनकी जान बच जाती। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। अच्छा तो फिर रोहित के पापा, रोहित के पापा आगे खोले, रोहित के पापा आगे खोले, रोहित के पापा, रोहित के पापा। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हो गया बेटा? काश यहाँ पर कोई ढंग का डॉक्टर होता तो मेरे पापा की जान बच जाती। बात तो तुम सही कह रही हो। माँ, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती। मैं खूब पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती। मैं बनूंगा, बनूंगा, डॉक्टर हेल्प दिखाऊंगा। मैं आया हूँ क्या? हाँ यार, थोड़ा सामान है, उठवा दो प्लीज। हाँ क्यों नहीं, अभी लो। अरे अरे क्या कर रहे हो यार? टेम्पो नहीं, सामान उठाना है भाई। भाई ये डोले मैंने हल्का सामान उठाने के लिए नहीं बनाए, मैं चला, उठा लेना अपना सामान। जी आदमी यार। चैटिंग के अलावा पढ़ना भी होता है यहाँ? आज तो कल की पढ़ाई हो? नहीं यार। फिर तुम नहीं समझ सकते, किताबों की दुनिया से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत और हसीन है। Come on dude, to be stylish like me. मुझे भी यही रूम मिला है। वेलकम भाई, वेलकम 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 वेलकम। यहाँ एक रूम में चार लोग रहते हैं? नहीं भाई, ये सब हमारे फ्रेंड हैं। अच्छा अच्छा। ये हैं कुणाल और व्हाट्सएप मैन, और ये हैं सम्स स्टाइल आइकॉन। वेलकम। थैंक यू। जान कहती हूँ, कोई पढ़ाई छोटी नहीं होती, पढ़ाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं, यही मेरा कलमा है, यही मेरा मसला। आ रहा हूँ मैं डॉक्टर बनने। केजीएमयू जिंदाबाद, केजीएमयू जिंदाबाद, केजीएमयू जिंदाबाद। Thank you.
1000 रुपया तो सुबह मुझे उठा देना। मैं सुबह क्लास नहीं कर पाऊँ, मेरी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट होती जा रही है। सुबह मुझे कैसे भी हो उठा देना। पक्का? पक्का। कैसे भी? हाँ कैसे भी। जैसे वो उठा देना। उठा दिया? चल ऐसे थोड़ी चला था यार, मैं सुबह बोला था ना। हाँ जैसे वो उठा देना। उठा रहा, उठ ही नहीं रहा। जल्दी तैयार हो, क्लास चलना है। I welcome you all to this prestigious institution. I first of all congratulate you on your admission to the topmost medical universities of India. अरे रोहित, हे हाय रोहित, क्यों पहचाना नहीं? ओ राधिका तुम? हाँ पहचान लिया, कोचिंग में भी साथ और यहाँ भी, पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, कोई तो है जिसे मैं पहले से जानता हूँ। हेलो, कहाँ खो गए? ओह हाँ,
चलते हैं फिर, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। सर क्या बोल रहे थे, इसमें समझ ही नहीं आया यार, मुझे भी नहीं समझ आता। लेकिन यार एक बात है, कॉलेज बहुत बढ़िया। हाँ सर, सिक्योरिटी ब्लैक कमांडो साहब चलते हैं, रैगिंग का तो माहौल ही नहीं है यहाँ पर। अबे सीनियर वो परिंदा है ना जो कहीं भी पर मार सकता है। हाँ मेरी तो साला उसी दिन हो गई थी, पहले ही दिन। चल चलते हैं फिर। हम देखे इस चिलमन से तुम, इस चिलमन से हम देखे, इस चिलमन से तुम। अबे आगे है कुछ, इस चिलमन से हम देखे, इस चिलमन से तुम। वाह 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 लोंडे। इस चिलमन से हम देखे, इस चिलमन से। अबे आग लगे तेरे चिलमन ने ना, हम देखे ना तुमने। भाग उड़का बन। नाम बता। क्या नाम बता? क्या क्या क्या? कुणाल कपूर। अबे कुणाल कपूर। हम तो सोचे किरण ने बेटा, हम तो सोचे किरण। बाल देखो, बाल नहीं कटाए बेटे, कितने बड़े बड़े। फैशन में, फैशन में, फैशन में। क्षमा करे, क्या था जी? शायरी आती है, सब शायर हैं, सब साले शायर बनाओ। सुना शायर सुना। मैंने मैंने दिल दिया उसे अपनी रानी समझ। वाह 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 वाह। या उसे अपनी रानी समझ के खा गई उसे वो बिरयानी समझ। वाह वाह वाह। कमीने ने खून भी नहीं छोड़ा उसे पी गई नींबू पानी समझ के। वाह वाह। कौन है तेरी रानी? रानी बता, रानी का नाम बोल रहे श्रीमान मिल जाएगी तो बता रहे। कान हो रहा है, दूरबीन लगा रखी है क्या? मुर्गा बन, चल मुर्गा बन जा। नाम बता। श्रीमान जी रोहित। क्या कर लेता बे श्रीमान जी? पेड़ पे चढ़ लेते हैं। पेड़ पे चढ़ लेता, चल जा चढ़ के दिखा सामने। चल जी भाग जल्दी जा। क्या कर लेते हो लाल?
मोदी जी हम भी चढ़ लेते हैं पेड़। अच्छा चल 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 भाग जा, इस पे चल 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 उधम सिंह जी के पर चल 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 इस पे उधम सिंह जी पर। अरे वो लोग आ रहे हैं क्या? हाँ तुम्हारे भाई चलो 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 आपसे कह रहे हैं, आपसे क्या चल रहा है? एक तो आगे बैठ नहीं पाते आप लोग, लास्ट में पता नहीं क्या बैठने का शौक है आप लोगों को। बताइए व्हाट इज क्वेश्चन है। Find as a decrease in systolic blood pressure of 20 mmHg or a decrease in diastolic blood pressure of 10 mmHg within 3 minutes of standing when compared with blood pressure from the sitting or supine position. Good. Everybody understood? Yes, sir. Okay, so again, your roll calls now. Batch A, roll number 1. Present, ma'am. Roll number 2. Present, ma'am. Roll number 3. Present, ma'am. Roll number 4. Yes, ma'am. Roll number 5. Present, ma'am. Roll number 30, 31, 32. Present, ma'am. Batch B. Roll number 1. Yes, ma'am. Roll number 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम दोनों proxy मार रहे हो? नहीं ma'am, मेरा ही roll number है ma'am. यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है. अगली 5 दिन की present गई तुम्हारी. Sit down. Sorry, ma'am. Roll number 3. Present, ma'am. Roll number 4. Roll number 4. Roll number 5. Roll number 6. Yes, ma'am. Roll number 7. Yes, sir. Roll number 9.
नाम बताओ, केस का नाम बताओ। प्रोटीन केस। क्या प्रोटीन? क्या कौन सा प्रोटीन का? कहाँ टेस्ट कर तुम्हारी? ऐसे ही सुनकर प्रैक्टिकल ही नहीं किया है? कर ली जा रही है। और तुम नाम बताओ, घर नंबर कौन से? कैसे करते हैं? स्कूल में पढ़ना है। पढ़ा है? पढ़ा है, प्रोसीजर पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पढ़ क्या होगी? बिना पढ़े कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, अभी लैब बाहर है ठीक। और तुमने मैनुअल का है? हॉस्टल का। हॉस्टल का क्लास है बाहर। और तुम्हारी मैनुअल का है? कंप्लीट है। आज के अटेंडेंस के लिए मिलेगी और लैब से बाहर ठीक है। नो सॉरी। निरहुआ पढ़ाता तो भोजपुरी में ही पढ़ाता और बच्चे भोजपुरी में ही वाइवा देते। ये कब पढ़ लिया? ऐसा क्यों देखने चलेगा? ये बताओ मन में लगी भाई, लगी सब लगी पार्टी कौन कर रहा है? पार्टी 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 भाई 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 तुम लोगों ने अभी तक डाइसेक्शन क्यों नहीं शुरू किया है? हु इज रोल नंबर वन? रोल नंबर वन कौन है? यू आर रोल नंबर वन। मैम आई एम रोल नंबर फोर। कौन है रोल नंबर वन? मैम रोहित इज रोल नंबर वन। यू आर रोल नंबर वन। चलो डाइसेक्शन करो। Hi, I am Rohit. What are you reading? I can teach you. क्या है
गुड मॉर्निंग सर। बड़े जो नेम राणा बिछड़ू प्रताप सिंह। पिकअप दिस। ओह पहन लगी चीज नहीं है क्या है बताओ ये टेस्टिस। ओके एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्टिस। This is start from here. This is final position of the testis. Idiot, get lost. Next. गुड मॉर्निंग सर। ओके भाड़ी योर नेम राहुल। टेक इट। व्हाट इज दिस। दिस इज लिवर। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द लिवर। Liver is the largest organ of the body. Very good. And there is a close relationship between the liver and lover. Sir, because if love fails, lover gone. But liver on, sir. Go up. Next. क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। पिकअप दिस। थैंक यू सर। पिकअप दिस। नो सर। थैंक यू सर। पिकअप दिस। क्या कर रहे हो ये? बिस्किट नहीं बोन उठा। सर दिस इज क्लिप किल। पुट इट डाउन। टेल मी अबाउट द मसल व्हिच हैव टू हेड्स। बाइसेप्स सर। ओके टेल मी अबाउट द मसल व्हिच हैव थ्री हेड्स। सर ट्राइसेप्स सर। ओके व्हिच मसल्स हैव फोर हेड्स। फोरसेप्स सर। फोरसेप्स क्वाड्रिसेप्स होता है। गेट लॉस्ट। थैंक यू सर। आर यू रेडी? यस सर। Tell me about the scapula. Sir, scapula is a thin bone placed on... Everything is okay, beta. Lekin jo tum bone uthaye ho, scapula nahi hai. So, sorry, sir. This is scapula, sir. Scapula, sir. Ye kya hai? Scapular foramen, sir. Scapular foramen? Achcha. Kya pass hota hai isse? Scapular artery. Scapular vein. स्कैपुलर नर्व सर।
बेटा ऐसा काम करो धीरे से निकल जाओ यहाँ से। सॉरी सर। गेट आउट। अरे पागल सुन तो सही, आज ना अरमीन का बर्थडे है। सच? तब तो यार कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा। इधर आप बैठ के बात करते हैं। अब तुझे भूख नहीं लग रही? खाना तो कुछ खाती रहती हूँ। ये सब छोड़ ना, तुम अपनी इतने सा आइडिया बता उसे इम्प्रेस कर सकूं। देख ये तेरे लिए बहुत गोल्डन चांस है, तो एक काम कर उसे प्रपोज कर दे। यार बोलूंगा कैसे? तो उसकी चिंता मत कर, मैं तुझे बता दूंगी कि तुझे करना क्या है। तू ना कुछ बढ़िया से इंग्लिश में लिख के मुझे दे दे, मैं उसे याद करके बोलूंगा। ठीक है। थैंक्स यार, तू ही तो है जो मेरे दिल की बात समझती है। चल फिर ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुन, अच्छे से तैयार होके आना और अच्छे से बोला, ठीक है? बाय।
हाय सूट वूट पहनने से और काला चश्मा लगाने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। हीरो बनने के लिए ना टैलेंट होना चाहिए। पहले बोलना सीख जाओ फिर बात करना। चल राधिका। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को यह हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। क्या यार, रिजल्ट जब आएगा देखा जाएगा। जान रहे हो टेंशन काहे लेते हो, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई। अरे ये तो अपना रोहित है, बहुत टेंशन में लग रहा है। अरे रोहित क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार, तुम नहीं समझोगे यार, ये तो बड़ा डिप्रेशन में लग रहा है। अबे इसको एंटीडिप्रेसेंट लोराजिपाम देना पड़ेगा। क्यों भाई? लोराजिपाम नहीं, इसे जाम देना पड़ेगा राजेश भाई। चलो आज पिला ही देते हैं। राजेश भाई, ये चीज होती है ना बहुत कमाल की चीज, सारे दुख दर्द भुला देती है। लो और बनाओ एक प्लेट। राजेश भाई और बनो, और बनो, और बनाओ। नुकसान करती बोल।
तेरे को मालूम दारू पीने से कितने फायदे होते हैं? मालूम तेरे को? दारू पीने से ना दिमाग में टेंशन तो रहती है लेकिन तकलीफ नहीं थी। दारू पीने से ना बेइज्जती तो होती है लेकिन महसूस नहीं होती। मैं तेरे को एक शेर सुनाता हूं। गम जिंदगी के बुलाते हैं पीकर, गम जिंदगी के बुलाते हैं पीकर, दारू ना होती गुजारा ना होता, बिखर जाते अरमा मिट जाती हस्ती, बिखर जाते अरमा मिट जाती हस्ती, अगर बोतलों का सहारा ना होता, नुकसान करती बोलता है मालूम? हम जिस बोर्ड से पढ़ के आए, जहां से इंटर किया, साला टीचर को तो इंग्लिश आती नहीं, हमको क्या खड़काएगी? नुकसान करती बोलता है साला। जिधर देखो इंग्लिश, लगता ही नहीं साला इंडिया में इंग्लैंड में। इंग्लिश नहीं आती मतलब कुछ भी नहीं आता, टीचर नंबर नहीं देता, लड़की भाव नहीं देती, नुकसान करती बोलता सर। तेरे को मालूम हमारी तो साली जिंदगी नरक होगी। हम पहले साला किताबों को इंग्लिश में पढ़े, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझे, फिर उन किताबों को हिंदी में पढ़ा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्जाम में बोले, साला दिमाग तो ट्रांसलेशन में खत्म हो जाता है, पढ़ा क्या था याद ही नहीं रहता। देखना एक दिन वो करके दिखाऊंगा ना, सारी दुनिया याद रखेगी। देखना मुकेश सुनना। हाँ बोलो। रोहित कहाँ है आजकल? मुकेश। रोहित ये मैं क्या सुन रही हूँ, आजकल तुम दारू वारू पीने लग गए हो? यार कल मैं बहुत परेशान था, बस इसीलिए यार थोड़ा उसका सहारा लेना पड़ा। मैं यार अपना सब कुछ इंग्लिश वगैरह अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जरूर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगे। ठीक है पक्का प्रॉमिस। ये सब ठीक है, अभी क्लास के लिए चलते हैं, लेट हो रही है।
राज भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे बस किसी तरह हम पास हो जाना चाहते हैं। अरे भैया कुछ पढ़ो लिखाई करोगे कि पूजा करते रहोगे? अरे यार मेरे प्रभु हैं, मुझे पास करा देंगे, हमको किसी की कुछ जरूरत नहीं है। तू निकल जा, तू जा जल्दी जा, जय जय हनुमान, तू जा हमारे प्रभु सब देख लेंगे। बस प्रभु हम इस बार किसी तरह पास करा दीजिए प्रभु, किसी तरह पास। आपको हम 1000 रुपए नहीं 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 500 की नई नोट का प्रसाद चढ़ाएंगे प्रभु। जय हनुमान ज्ञान अनुसार जय प्रभु, बस इस बार किसी तरह पास हो जाए। बहुत पढ़ाई करेंगे अगली बार से, बस इसी बार पास करा दीजिए। जय हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान अनुसार जय कबीर जी लोग। रोहित हाँ, एग्जाम कैसा हुआ? ठीक ही गया यार, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक्स यार। थैंक्स यार। सॉरी यार, मुझे तुमसे उस दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था। डोंट माइंड, शायद तुम उस दिन ऐसा नहीं बोलती तो मैं टॉप नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच यार, इट्स ओके। ग्रेट यार, तू तो टॉप कर गया। हाँ यार, सब तेरी मेहरबानी है। इन सब से कुछ नहीं होगा, मुझे पार्टी चाहिए। पार्टी? तू भी पार्टी लेगी? तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है यार। तो दोस्तों को ही पार्टी दी जाती है, मुझे पार्टी चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, तू तो मेरी गुरु है। नहीं नहीं नहीं, इन सब से कुछ नहीं होगा, मुझे पार्टी चाहिए। चल ठीक है, दे दूंगा। यार
एक दिन आया। हाय राधिका। हाय। यू नो राधिका, तुम्हारे जैसे दोस्त को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। इट्स माय प्लेजर टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। आई एम रियली गोना मिस यू। हाँ, वो मैं भी बहुत याद करूंगी तुम्हें। चलती हूँ, बाय। राधिका।